तो ये इस साल में छठी बार है कि यूके के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, और इस बार तो 0.50% बढ़ाए हैं, जो कि सिंगल सबसे बड़ा राइज है 1995 से। तो ये 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट हो गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूके में रिसेशन आ चुका है या आने वाला है, या इसका मेन रीज़न क्या है रिसेशन के आने का, और इससे रिसेशन अगर आ गया तो लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एज इन जॉब्स पे या फिर ओवरऑल कंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो मूव होने वाले हैं या मूव हो चुके हैं उन पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है, तो आज इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते रहें और आप उनको सब्सक्राइब करके उनको एंजॉय कर सकें और आपके लिए वो यूज़फुल रहे। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये अनाउंस किया है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 13% से भी ऊपर जाने वाला है, अपना पीक पे पहुंचने वाला है। तो ईयर के लास्ट क्वार्टर में श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी यूके की इकोनॉमी, और एक साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि ये रिसेशन ही है जो कि एक साल तक चलेगा, जो कि इस क्वार्टर से शुरू हो जाएगा एज पर बैंक ऑफ इंग्लैंड। पहले बात कर लेते हैं कि रिसेशन जो है ये क्यों आ रहा है या ऐसी सिचुएशन क्यों हो गई है यूके में। तो बात यह है कि जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसके कारण रशिया ने इनको फ्यूल सप्लाई करना बंद कर दिया है और यूरोपियन कंट्रीज़ ने वो लेना भी बंद कर दिया है। तो इसके कारण यूके में जो है एनर्जी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। लास्ट टाइम जो है मार्च में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे हाइक हुई थी, और अभी फिर से होने वाली है, शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास ये फिर से रेट बढ़ेंगे, और लगभग 300 पाउंड एक हाउस होल्ड का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे कि एनर्जी क्राइसिस जैसे बोल रहे हैं वो हो गया है, और फ्यूल भी महंगा हो रहा है, एनर्जी भी महंगी हो रही है घरों को वार्म करने के लिए या घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो बेसिकली जो नॉर्मल कंज्यूमर है उसकी पॉकेट टाइट होती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही लोग पॉकेट छोटी होती जा रही है और परचेजिंग पावर लोगों की कम होती जा रही है, तो सबसे बड़ा इस चीज़ का रीज़न इन्फ्लेशन ही है और यूक्रेन वॉर है जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बेसिकली एक जो तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो है हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब हाई इंटरेस्ट रेट्स से क्या होगा कि जो बोरोइंग की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और लोग इतना इजीली बोरो नहीं कर पाएंगे, स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये एनकरेज करेगा लोगों को कि लोग सेव ज़्यादा करें। इसको प्रॉपर फुल फैट रिसेशन बोला जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 42 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो घटने वाला है। और ये इसको एक एग्जांपल भी बोल सकते हैं स्टैगफ्लेशन का, जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यूके के लिए जो कंजर्वेटिव पार्टी के दो फाइनल कैंडिडेट्स हैं ऋषि सुनक और लिज, उनके बीच में डिबेट भी चल रही है कि क्या टैक्स को कम किया जाए इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो इस चीज़ पर भी डिबेट चल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी कंट्री में जब रिसेशन आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट होता है लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये होते हैं कि जो जॉब मार्केट होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, कि जो जॉब्स है मार्केट में बहुत कम होने लग जाती हैं। सेकेंडली हाउसिंग मार्केट जो होती है वो भी बहुत स्लो हो जाती है, लोग घर खरीदना छोड़ देते हैं ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अभी जैसे इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 3.5-4 के आसपास चल रहा है यहाँ पे हाउस बाय करने का। तो थर्डली ऐसा होता है जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं कि जितना पैसा है उसको सेव करके अपने पास रखा जाए, ताकि रिसेशन में अगर उनका बिजनेस इतना नहीं चलता फिर भी वो अफ्लोट रह सकें। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, तो वो जॉब कट शुरू कर देते हैं, ले ऑफ्स हो जाते हैं। और जैसे जो जिन लोगों की सैलरी एवरेज सैलरी के इक्विवेलेंट होती है उनके लिए बिल भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, या जिनकी लो वेजेस है उनके लिए बिल भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जो फर्स्ट टाइम जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में, उनके लिए जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जो बच्चे कॉलेज से बाहर निकलते हैं या जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनको जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाता है इस मार्केट में। तो जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, 2008 में जब रिसेशन आया था तो यूके की मार्केट 10% तक श्रिंक कर गई थी, 10% तक जॉब्स कम हो गई थी यूके की मार्केट में। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि इस रिसेशन का कितना इम्पैक्ट होगा। जब वो होता है वो उसके बाद ही पता चलता है, इवन 6 मंथ्स लग जाते हैं ये पता करने में कि अच्छा हम रिसेशन में ऑलरेडी हैं या नहीं। और जैसे ही कि मार्केट श्रिंक्स होना शुरू होती है, तो जो लेंडर्स मॉर्गेज वाले होते हैं जो कि आपको लोन देते हैं, वो भी अपना रेगुलेशंस और टाइट कर देते हैं। वो हर एक को किसी को लोन नहीं देंगे, वो भी देखेंगे कि जो बंदा पे कर सकता है उसी को देंगे। तो इसलिए सारी मार्केट ही ओवरऑल जॉब मार्केट वेजेस मनी हर जो सर्कुलेशन में होती है वो सब स्लो होना शुरू हो जाता है।
क्वेश्चन ये भी आता है कि ये तो सब बुरी चीजें रिसेशन के बारे में, कुछ अच्छा भी होता है क्या रिसेशन में? तो कुछ एनालिस्ट ये भी बोलते हैं कि ये पार्ट एंड पार्सल है इकोनॉमिक साइकिल का रिसेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और काफ़ी जब ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की या एकदम से काफ़ी ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है तो उसके बाद रिसेशन आना ही आना होता है, क्योंकि उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कितनी स्टार्टअप्स आ गई हैं, इवन इंडिया में भी कितनी स्टार्टअप्स आ गई हैं और उनको पैसा मिल रहा है मार्केट में, क्योंकि लगता है कि सब कुछ बिक रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं चीज़ें, तो ये भी स्टार्टअप चल जाएगी, वो भी स्टार्टअप चल जाएगी। तो इसमें यही होता है कि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लग जाता है तो मार्केट एकदम से बूम पे चली जाती है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रिसेशन जब आता है तो ये वाली जो स्टार्टअप्स होती हैं उनका बिजनेस ठप होने लग जाता है, क्योंकि उनके पास इतना फंड्स नहीं होता। पहले तो वो कैश बैक या इस तरह से लुक्रेटिव ऑफर्स देके लोगों को बुला तो लेते हैं, बट लेकिन जब स्टेबिलिटी की बात आती है या स्ट्रेंथ की बात आती है अपने आप को स्टेबल रखने की, तो जो स्टेबल नहीं रख पाती तो वो बस्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे इसमें यह भी कहा जाता है कि हाउसेज प्राइसेस कम हो जाते हैं जब रिसेशन आता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है वो सस्ते में घर ले सकती हैं, जो लोग सेविंग अकाउंट होते हैं जिन लोगों के, उनके लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है उनको और वो अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं सेफ प्रोडक्ट में पैसे रख के, तो ये कुछ लोगों को बेनिफिट्स भी लगते हैं उसके। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो हो गई कंट्री की ओवरऑल बात, लेकिन जो भी लोग मूव हो रहे हैं यूके पे या जिनके पास अभी जॉब ऑफर्स आ गए हैं उनके लिए हाउ बैड और हाउ गुड इट इज़? तो मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे रिसेशन के टाइम पे जब रिसेशन स्टार्ट होता है या मार्केट थोड़ी सी वॉबली सी हो जाती है, उस टाइम पे आपको अपने जो भी स्टेप्स आपको करने हैं, अगर आपको कोई कंपनी ऑफर दे रही है या ऑफर लेटर मिल गया है या कोई आप कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, तो सोच समझ के करें। एकदम से ऑफर दे के या पैसा दे के लुक्रेटिव ऑफर दे के बिल्कुल एकदम से जंप ना करें, स्टेप ना उठाएँ। आपको कुछ कुछ स्टेप्स करने चाहिए जो मुझे लगता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि जो भी कंपनी का आपके पास ऑफर मिल रहा है या जो भी आप कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स चेक करें कि उनका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और क्या वो रिसेशन के टाइम पे भी वो ऐसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या कि जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि लास्ट के एक दो क्वार्टर्स में उसके सेल्स कैसे हैं या प्रॉफिट में जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है या क्या है उसका स्ट्रक्चर। सेकेंडली, ट्राई करिए अगर आप स्टार्टअप्स को अगर इग्नोर कर सकते हैं इस टाइम में, तो हर एक के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी जिनके पास ऑप्शन है स्टार्टअप्स को इग्नोर करने के इस टाइम पे, तो वो करें, या तो उसके बिजनेस अच्छे से चेक करें, समझ लें कि आपको उसके बिजनेस की समझ है, या आप उसको ज्वाइन ही ना करें। नेक्स्ट है कि आप कंसल्टेंसी बिजनेसेस भी ऐसे होते हैं जैसे कि कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस किसी और बिजनेस पे डिपेंड करता है, जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या करती हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर कर लेती हैं लेकिन जो अपना जो उनका मेन बिजनेस होता है, मेन काम होता है, वो दूसरी कंपनीज के साथ होता है। तो वो ये भी ध्यान रखिए कि क्योंकि उन कंपनीज में जो कि बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो कंसल्टेंसी पे काम करती हैं, उनमें ले ऑफ्स होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपके पास क्या ऑफर आ रहा है, मार्केट की स्थिति क्या है, तभी आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकेंगे। वही है, थोड़ा केयरफुली स्टेप्स लीजिए जो भी आप सोच रहे हैं आने का, जो भी मूव होने का। और बाकी रिसेशन है, इकोनॉमिक साइकिल है, अगर बुरा टाइम आया तो अच्छा टाइम भी आएगा, थोड़े टाइम में ये भी चेंज हो जाएगा, मार्केट फिर से बूम करेगी और नई कंपनीज खुलेंगी और अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, तो कई बार आपको वेट करनी पड़ सकती है कि अच्छे ऑफर की, या आपको लग सकता है कि आपको ऑफर नहीं आ रहे हैं, मार्केट में कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो ये भी रीज़न है कि मार्केट श्रिंक हो रही है। तो थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये डराने के लिए आपको नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि यही इकोनॉमिक साइकिल है, यही ऐसे ही चलता है। पहले कभी डाउन होती है मार्केट, कभी अप होती है, लेकिन आपको अपने स्किल पे भरोसा रखना है, आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए ताकि आप हर जगह अपने आप को प्रूव कर सकें, आपकी वैल्यू कोई कंपनी कर सके, तो आप ऐसी सिचुएशन में भी अफ्लोट रह सकते हैं और अच्छा पैकेज और अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी मोटिवेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।